एक क्वेश्चन है जो डेटा स्ट्रक्चर की इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ट डेटा टाइप एंड टेस्टिंग। ठीक है, अभी चार्ट डेटा टाइप एंड टेस्टिंग का जो क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि चार करेक्टर क्या होता है, चार्ट डेटा टाइप क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, तो आप मेरे स्क्रीन पे देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं करेक्टर चार्ट डेटा टाइप का, कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। तो जो मेजर डिफरेंस होता है ना करेक्टर और स्ट्रिंग में, फंडामेंटली वो ये होता है कि इसका आप यूज कैसे कर रहे हैं, मतलब करेक्टर का आप यूज कैसे कर रहे हैं और स्ट्रिंग का यूज कैसे कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप करेक्टर में क्या यूज करेंगे, चार्ट डेटा टाइप अगर होता है तो उसमें क्या यूज करेंगे, और स्ट्रिंग में क्या वैल्यू को स्टोर करेंगे। अगर दोनों में आपको पता चल जाता है कि आप क्या वैल्यू करेक्टर में स्टोर कर सकते हैं और क्या वैल्यू आप स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं, तो ये आपका जो डिफरेंस है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे चार डेटा टाइप के मैंने कुछ पॉइंट दिया है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि चार इज अ शॉर्ट फॉर द करेक्टर। ठीक है, चार जो होता है वो यूज होता है शॉर्ट करेक्टर के लिए। ठीक है, इट्स रिप्रेजेंट ए सिंगल करेक्टर इन द करेक्टर सेट सच एज द लेटर, डिजिट्स, पंक्चुएशन मार्क और सिंबल। ठीक है, मतलब कि आप इसमें सिर्फ एक लेटर यूज कर सकते हैं, जैसे ए बी सी हुआ ना, तो ये एक अलग लेटर है, बी जो है वो एक अलग लेटर है, सी जो है एक अलग लेटर है। अगर आप थ्री यूज कर रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो थ्री जो है वो एक अलग करेक्टर है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इन द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एच आर टिपिकली ऑक्यूपाई 1 byte ऑफ मेमोरी 8 bits। ठीक है, मतलब कि 1 byte जो यूज करने के लिए क्या करता है, 8 bits मेमोरी का ये यूज करता है। इट यूज टू स्टोर इंडिविजुअल कैरेक्टर लाइक ए बी सी थ्री, और यहाँ पे हैज है और इट इज, मतलब इस तरह से आप और भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप इसमें यूज सिर्फ एक लेटर को ही करेंगे, एक कैरेक्टर को ही नहीं करेंगे, एक इंडिविजुअल जो कैरेक्टर है उसी को केवल यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे ए हो गया एक अलग जो कैरेक्टर है वो हो गया, बी जो है वो अलग अलग कैरेक्टर है। यहाँ पे देखिएगा तो एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, ए जो है वो कैपिटल दिया हुआ है मैंने और बी स्मॉल है, मतलब कि एक ही कैरेक्टर का आप यहाँ पे यूज करेंगे। चार इज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप इन द लैंग्वेज लाइक सी सी प्लस प्लस जावा एंड मेनी मोर। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, मतलब जो कैरेक्टर वो बिलोंग करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप में, जैसे सी सी प्लस प्लस जावा और बहुत सारे और भी लैंग्वेजेज हैं जिसमें ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को बिलोंग करता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, इसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर का जो मेरा सीरीज है वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या है। जब आप समझ गए कि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर में आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि केवल एक कैरेक्टर को ही आप यहाँ पे यूज करेंगे, इंडिविजुअल एक कैरेक्टर को वो केवल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या है, ये स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि ये पूरा एक सीक्वेंस है कैरेक्टर का, बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, उनको आप एक स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। इट कैन कंटेन 0 or more कैरेक्टर, मतलब ये है कि आप यहाँ पे आप कुछ भी ऐड नहीं करिए तो भी चलेगा, नहीं तो आप मल्टीपल कैरेक्टर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे ए बी सी थ्री एक ही बार में ऐड हो जाएगा, इसको डिफरेंट डिफरेंट बार इसको कैरेक्टर को ऐड नहीं करना होगा। मतलब आप एक चार डेटा टाइप में जो स्टोर कर रहे हैं, मल्टीपल चार डेटा टाइप को एक ही बार आप स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग आर यूजुअली रिप्रेजेंट एरे और कलेक्शन ऑफ द चार एलिमेंट्स। ठीक है, बेसिकली बात वही है जो मैंने बोला था कि एक जो एरे है, एरे टाइप का डेटा, जैसे ए बी सी आप एक ही साथ लेके आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट कैरेक्टर हुए। ठीक है, लाइक द चार्ट डेटा टाइप विच होल्ड्स द वन कैरेक्टर, ए स्ट्रिंग कैन होल्ड द मल्टीपल कैरेक्टर फॉर्मिंग वर्ड, सेंटेंस, इवन द इंटायर डॉक्यूमेंट। ये जो मेन पॉइंट है इसका, ठीक है, कि कैरेक्टर जैसे कर करता है कि एक ही कैरेक्टर को होल्ड करता है, लेकिन स्ट्रिंग क्या करता है, मल्टीपल कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है, एक पूरे वर्ड को होल्ड कर सकता है, और या ये पूरे डॉक्यूमेंट को ये होल्ड कर सकता है, मतलब पूरे पैराग्राफ को ये होल्ड कर सकता है, और मल्टीपल पैराग्राफ आपके पास है तो उसको भी होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कैरेक्टर में और स्ट्रिंग में। कैरेक्टर क्या करेगा, आपका एक एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा चार डेटा टाइप। ठीक है, जैसे ए बी सी, ठीक है, ये अलग अलग तीन अलग अलग करेक्टर यहाँ पे बनेंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो ये पूरा एक वर्ड बना दीजिए ए बी सी को, और इसको आप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर अगर आपके पास पूरा ही एक वर्ड हुआ, जैसे दिस इज लर्न कोड जोन यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो ये पूरा वर्ड को आप स्टोर कर सकते हैं।
या फिर पूरा आपके पास एक डिस्क्रिप्शन है, पूरा एक पैराग्राफ है, ठीक है, या मल्टीपल पैराग्राफ है, या पूरा डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं।